रहे हैं पहलानी तहसील के कई गांव के किसान यहां पर चक्का जाम किया है और इन किसानों को आरोप है कि हर बार पहलानी तहसील में ज्ञापन देकर आश्वासन भर मिलता है कि आपकी समस्या सुनी जाएगी, पर हमारी समस्या आज तक कोई सुनी नहीं गई है। आज मजबूरी में किसान चक्का जाम किया है। शायद आप लोगों को भी याद है अपीलों के माध्यम से, चूँकि लगातार हम लोग इस खाद न मिलने के मुद्दे को, बिजली आपूर्ति की समस्या पूरे जसपुरा ब्लॉक में, और तीसरी समस्या यमुना नदी पर 12 गलोलीपुर पर स्कीमर न चलने की, इन समस्याओं को लेकर हम पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार कई बार SDM महोदया को और जो भी संबंधित अधिकारी हैं विभागों के उनको हम कई बार दे चुके थे ज्ञापन लिखित में। अभी हम लोगों ने 18 तारीख को SDM महोदया को भी संबोधित ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा था और उसमें मांग किया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी विद्युत आपूर्ति सही नहीं हुई, हमारी खाद की व्यवस्था सही नहीं हुई, हमारी स्टीमर संचालन की व्यवस्था या पुल की व्यवस्था सही नहीं हुई तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। पूरे क्षेत्र का किसान परेशान है, किसानों इस समय पलेवा चल रहा है, अपने लाइट की वजह से किसान अपने खेतों में पलेवा नहीं कर पा रहा है, खाद न मिलने से बुवाई नहीं कर पा रहा है। एक हफ्ते पहले आप ज्ञापन दिया था तो अधिकारी द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्या सुनी जाएगी। हाँ। तो अभी तक जो किसानों की समस्या नहीं सुनी गई है तो क्या किसान मजबूरी में चक्का जाम किया है? हाँ, किसान मजबूर होकर के चक्का जाम किया है। तो क्या आश्वासन मिला है ज्ञापन देते हुए? आश्वासन ये दिया कि कल से स्टीमर चलेगा और खाद बीज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी, खाद की व्यवस्था जल्दी जल्दी हो जाएगी। 3 दिन के लिए मोहलत मांगी है। अगर 3 दिन में आपकी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे क्या कार्रवाई करें? दोबारा फिर यही समस्या होगी कि हम चक्का जाम अच्छी तरह से करेंगे। दो महीना से बंद है, बहुत परेशानी है। 15 अक्टूबर तक चलाया जाता है हमारा। बारिश ज्यादा, पानी चलाते रहते काम चलता, मेले के चक्कर में इतनी ज्यादा ओवरलोडिंग होती थी तो बंद करा दिया गया था। एक की जगह 2 की बात रखा। बताइए जब 300 रुपया लगता है तब हम लोग कानपुर पहुँचते हैं पार करने का 300 लगता है। 200 रुपये SDM महोदय यहाँ से पहुँची और पहुंचने के बाद हमारा ज्ञापन लिया गया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है, सभी विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के बाद हम आपकी समस्या को हल कर देंगे। अगर हमारी समस्या हल नहीं होती 3-4 दिन के अंदर तो अगले हफ्ते हम फिर लोग मतलब जो है अगला कदम कोई उठाएंगे, इससे भी बड़ा जो अगला कदम होगा। ज्ञापन सर, आपसे एक निवेदन ये है कि हम आपको क्योंकि हमने किया तो हम आपको रोड पर ही आपको देंगे। किसान एकता। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।